मैं अजय श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 8104857064, रिकॉर्डिंग गति इस पर संपर्क करें। और इसमें आगे चल रहा है लेवल वन कक्षा 1 से 5 के लिए, और ये रीट के विद्यार्थी हैं। तो लक्ष्य गाइड से इसमें चल रहा है विषय बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और आगे है इसमें रीट 3, ट्रैक है 8 और टॉपिक है अधिगम की प्रक्रिया। सीखना एक विस्तृत व व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, और जिसमें कि निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों से गुजर कर यह क्रिया संपन्न होती है। इसमें इतने सीखने की प्रक्रिया के निम्न सोपान बताए हैं। अभिप्रेरक या अभिचालक का होना, इसमें इतने सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपानों के रूप में भी अभिप्रेरक या अभिचालक की चर्चा की है, और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और प्रति अभिप्रेरणाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए पड़ता है। और जब तक हमारा वर्तमान व्यवहार, ज्ञान भंडार तथा कुशलताएं हमारी सभी आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति करती रहती हैं, हमें किसी भी प्रकार के नवीन ज्ञान का संचय करने और कौशल अर्जित करने का भी व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। लक्ष्य है अभिप्रेरणा के मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती हैं, और इस प्रकार कार्य के लिए व्यक्ति को कुछ स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी कुछ सीखने की प्रक्रिया के गुजरना पड़ता है। कठिनाइयों एवं बाधाएं, यदि बाधा और कठिनाइयों का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा की उत्पन्न नहीं होती है। बच्चे को जो भी कुछ भी सीखना है सिखाया जाए, उसके पहले उसमें सीखने की तीव्र अभिलाषा या फिर अभिप्रेरणा उत्पन्न कर देना भी सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के पश्चात ही जितने भी सोपान आते हैं, वे सभी वास्तविक रूप में सीखने वाले के द्वारा ही कुछ भी सीख जाता है और इससे संबंधित होते हैं। और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सोपान सीखने की परिस्थितियों को लेकर भी हैं। सीखने की परिस्थितियों में सीखने के लिए भी अवसर प्रदान करती है, और सीखने की मात्रा, गति और इसका स्तर बहुत ही कुछ सीखने वाले को जो कि परिस्थितियाँ और वातावरण मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में जहाँ सीखने के संबंध में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होते हैं, वहाँ पर प्रतिकूल वातावरण सीखने के मार्ग में एक ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं। डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान हैं। अभिप्रेरित व्यक्ति, दूसरा मार्ग में बाधाएं, तीसरा विभिन्न अनुक्रियाएँ, चौथा है सही अनुक्रिया और 5वां उद्देश्य प्राप्ति। एक व्यक्ति द्वारा एक समय में जो भी कुछ सीखा जाता है उससे उनके व्यवहारों में अपेक्षित संशोधन और परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है, और वह अपने व्यवहारों में इस परिवर्तन और संशोधनों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। और इस तरह से जो भी कुछ वह सीखता है वह उनकी अपनी प्रकृति और सीखने की प्रक्रिया का सार्थक के साथ में इस आधार पर बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है और समय पर काम में लाया जा सकता है। और इसलिए भी सीखने की प्रक्रिया कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो कि जीवन पर्यंत ही चलती रहती है। और एक परिस्थिति में जो भी कुछ सीख लिया जाता है उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में भी भलीभांति काम में लाया जा सकता है। आवश्यकता की संतुष्टि अथवा संतुष्टि दोनों ही विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, और शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए भी सर्वप्रथम तो बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए, फिर उसे बालक के सम्मुख लक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, और इसके उपरांत उसे बालक को अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और सही अनुक्रिया के चयन हेतु भी मार्गदर्शन देना चाहिए तथा जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहारों में काफ़ी हद तक स्थायी और प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः अधिगम निम्न 3 तत्वों पर निर्भर है। एक तो अधिगमकर्ता या फिर विद्यार्थी जिसके व्यवहारों में परिवर्तन लाए जाएँ, दूसरा अधिगम अनुभव और जिन्हें कि अधिगमकर्ता के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी काम में लाया जाता है, और तीसरा मानव एवं भौतिक संसाधनों जिनकी सहायता से आवश्यक अधिगम अनुभव अधिगमकर्ता के व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। और अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला तो है विद्यार्थी या फिर अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। अधिगम प्रक्रिया का मुख्य नायक विद्यार्थी ही होता है। अधिक किसी भी अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी कितना कुछ सीख ले सकेगा यह उनकी अपनी मूल प्रकृति, अर्जित अनुभव तथा योग्यताओं तथा सीखने में उसके द्वारा किए गए जाने वाले प्रयत्नों पर ही निर्भर करता है। अतः अधिगमकर्ता से संबंधित कारक निम्न है। अधिगमकर्ता की इच्छा। यदि विद्यार्थी में किसी भी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी
उसे सीख लेते हैं, और अगर कोई भी सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो वह अधिगम कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता का वह योग्यताएं विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता व योग्यताओं की प्रकृति और स्तर अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी का किसी भी विशेष विशेष या फिर क्षेत्र विशेष में संबंधित अधिगम के लिए भी पूर्व ज्ञान का कौशल संबंधी स्तर अच्छा है और उसकी बुद्धि का स्तर अच्छा है और वह विशेष प्रकार के अधिगम के लिए भी उसमें समझ पूर्व ज्ञान और पूर्व अर्जित कुशलता विद्यमान है तो वह उस विषय विशेष को जल्दी अच्छी प्रकार से समझ सकेगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान व क्रिया को ग्रहण करने में भी कुशल होते हैं। जो बालक बीमार रहते हैं वे पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रहते और उनका अधिगम स्तर नीचे होता है। महत्वाकांक्षा और उपलब्धि भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर किसी विद्यार्थी में किसी भी प्रकार के आगे बढ़ने अथवा कुछ बन सकने या फिर उपलब्ध करने की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो वह फिर क्यों किसी बात को सीखने की कोशिश करेगा। अतः छात्र में कुछ सीखने व प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा व प्रेरणा का उच्च स्तर होने पर वह तीव्र गति से भी अधिगम करता है। जीवन उद्देश्य में अधिगमकर्ता का जीवन के प्रति भी क्या दृष्टिकोण है तथा वह अपने जीवन में किस लक्ष्यों की प्राप्ति को भी किस रूप में स्थान देता है इस बात को भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसकी रुचि और प्रगति निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक कारक में बहुत से मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि बुद्धिमत्ता है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है और अभिक्षमता बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संवेगात्मक कारक है। बच्चे का परिवार में उसके अधिगम को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है और बच्चों का पालन पोषण करने का ढंग पुरस्कार और दंड विभिन्न कार्यों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की सीमा। पारिवारिक कारक जैसे कि खेलने और पढ़ने की सुविधाएं, माता पिता की आकांक्षा, पारिवारिक विघटन और आपसी मनमुटाव, लड़के लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार और परिवार के बच्चे की स्थिति सभी ऐसे तत्व हैं जो कि निश्चित रूप से भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। माता पिता विशेष रूप से माता की यह आकांक्षा कि उसका बच्चा समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त करें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। अरे बच्चे यदि इस योग्य नहीं होते कि वे अपने माता पिता की इस आकांक्षा को पूरा कर सकें तो धीरे धीरे वे निष्क्रिय हो जाते हैं, माता पिता की यह आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। अत्यंत निर्धन और अनपढ़ परिवार से आने वाला बच्चा कक्षा में प्राय गमसुम सा रहता है और कुछ परिवारों की जो है परंपरा होती है कि वे लड़के लड़कियों में बहुत ही भेदभाव करते हैं और ऐसे परिवारों की लड़कियों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी यह सुनना पड़ता है कि पढ़ना उनके लिए आवश्यक नहीं है। मध्यमवर्गीय परिवार नौकरी पर भी निर्भर करते हैं और इसलिए वे शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं और अपने बच्चों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। इसलिए इस वर्ग के बच्चों की अधिगम के प्रति भी अभिप्रेरणा सबसे अधिक होती है। मेरे अध्यापक से संबंधित कारण शिक्षक के गुण। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए भी आदर्श होते हैं और अतः अधिगम अर्जन के स्तर और शिक्षण के गुणवत्ता में अध्यापक के व्यक्तित्व एवं उसके व्यवहारों की काफ़ी सशक्त भूमिका भी रहती है। अधिगम की क्रिया का संपन्न कराने में शिक्षक के गुणों का भी अत्यधिक महत्व होता है और ये गुण सहानुभूति, सहयोग, विषय ज्ञान, शिक्षण कला, सौम्य व्यवहार आदि है। और यदि शिक्षक किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं करता और सबसे समान व्यवहार करता है तो उसके छात्र उससे सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। विषय ज्ञान में वह अध्यापक जिसका कि अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है तथा जो अपनी कक्षा में पूरी तैयारी के साथ में जाता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवांछित परिणाम लाने में सफल होता है। शिक्षण कला एवं कौशल। यदि शिक्षक अपनी बात भली बात ही नहीं समझ पाता या फिर बहुत ही निरस ढंग से भी पढ़ाता है तो बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। वह बच्चे पढ़ाई में रुचि छोड़ देते हैं, अतः अपने विषय का ज्ञाता और उस पर अच्छा अधिकार होने के साथ साथ ही एक अध्यापक को शिक्षण और अधिगम के ऐसे में क्षेत्र में सफलता हेतु भी शिक्षण की कला एवं कौशलों में भी पारंगत होना चाहिए। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। भलीभांति समायोजित और मानसिक रूप से भी स्वस्थ अध्यापक अध्यापन और विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं और उनके विद्यार्थियों का अधिगम स्तर उच्च होता है। अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतःक्रिया का स्तर है। जो अध्यापक कक्षा शिक्षण एवं कार्य परिस्थितियों में भी तंत्रात्मक एवं प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान करके उचित अनुशासन स्थापित कर सकते हैं तथा बालकों को अंतःक्रिया के समुचित अवसर प्रदान कर पाने में भी सफल होते हैं, उनका योगदान अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया में सदैव श्रेष्ठ होता है। विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं। अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में विषय वस्तु से संबंधित कारक उसकी सफलता और प्रभावशीलता के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और ये कारक निम्न है।
विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उसमें प्रयुक्त विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों की प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और उनकी प्रकृति औपचारिक है या फिर अनौपचारिक, प्रासंगिक है या फिर असंगठित, प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, स्थूल है या फिर सूक्ष्म है, ज्ञान प्रदान करने वाली है आदि। इसी प्रकार की सभी बातें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणामों को अपेक्षित ढंग से प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु का चयन बालकों की आयु और उसके मानसिक स्तर या फिर अन्य सभी प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं तथा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके विषय वस्तु का चयन अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु या फिर अधिगम अनुभवों का समायोजन का आयोजन पाठ्य वस्तु के उचित एवं प्रभावपूर्ण आयोजन पर भी अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाओं की सफलता काफ़ी निर्भर सीमा तक निर्भर करती है, और जब तक चयनित विषय वस्तु का अधिगम अनुभवों को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक क्रम में भी ठीक तरह से आयोजित नहीं किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा और दशा नहीं मिलती है पाती है। प्रक्रिया से संबंधित कारक हैं उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्वरण की व्यवस्था, अधिगम के कार्य में सफलता अधिगम के द्वारा दी गई उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्वरण पर भी काफ़ी निर्भर करती है। अतः जहां अधिगम अनुभव इस प्रकार की विधियां, तकनीकी तथा उपायों को भी जो कि कुछ भी सीख सक रहे हैं उसके लिए समय पर उचित प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन मिलता रहे तो अधिगम प्रक्रिया में उन्हें आवश्यक सफलता मिलने की भी संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती हैं। अधिगम की मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीक है सीखने के लिए भी प्रयुक्त विधियां तथा तकनीकी जितने अधिक मनोवैज्ञानिक उपयुक्त होगी अधिगम कार्य में उतनी ही सफलता विद्यार्थी को मिल सकेगी। मेरे शिक्षण अधिगम वातावरण एवं संसाधन, शिक्षण अधिगम विधियां और तकनीकों के अतिरिक्त भी शिक्षण अधिगम के समय उपलब्ध परिस्थितियां, वातावरण तथा संसाधनों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसके परिणामों को उपयुक्त तथा अनुपयुक्त दिशा प्रदान करने में बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। और अधिगम में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिगम सामग्री और सुविधाएं जैसे कि पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं, गृह कार्य करने के लिए भी आवश्यक समय और सुविधाएं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। जितनी अधिक उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण अधिगम के दौरान प्राप्त होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उतनी ही सफलता पाने की भी संभावना होगी। वातावरण जन्य परिस्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सीखने के समय उचित रूप से भी बैठने, खड़े होने तथा कार्य करने की व्यवस्था और पूर्ण शांति एवं कोलाहल शून्य वातावरण एवं ध्यान में विघ्न डालने वाली सभी संभावित बातों पर भी उचित नियंत्रण और उचित नियंत्रण होता है, और अध्यापक का जनतंत्रात्मक, निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार एवं स्वस्थ और सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर पर अवसर, घर का उपयुक्त एवं सहयोगपूर्ण वातावरण, उपयुक्त रूप से भी कार्य परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन की सुविधाओं की प्राप्ति, विद्यार्थियों को स्वयं आगे बढ़कर प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने तथा आत्म प्रकाशन एवं संरचनात्मकता के उपयुक्त अवसरों की प्राप्ति, और विद्यार्थी और अध्यापकों के मध्य में उचित अंतःक्रिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण, मेरे विषय वस्तु को संगठित रूप से भी प्रस्तुत करना और चाहिए जैसे कि अधिक प्रकार से होता है, अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, वह ज्ञानात्मक व संवेगात्मक रूप से भी तत्पर रहना चाहिए, और छात्रों के समक्ष पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ना कि एक अंश का, और उद्देश्य नष्ट होने पर भी अंतर्दृष्टि का विकास संभव है, और यह बालकों को स्वयं खोज कर ज्ञान का अर्जन करने हेतु भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अभी अधिगम है, अधिगम की ये परिभाषा दी है, उत्तर है इसका गेटस ने, जैसे स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन का परिमार्जन को ही अधिगम का या फिर सीखना कहते हैं, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानी ने दी है, उत्तर है इसका ER हिलगार्ड ने, ऐसे निम्न से अधिगम की विशेषता है, उत्तर है इसका उक्त सभी है, अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर चलता है, दूसरा अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, और तीसरा अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है, उत्तर उक्त सभी है, एक तो छात्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा छात्र की बुद्धि एवं रुचि, और तीसरा छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति। नेक्स्ट अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उत्तर है इसका थायरोडाइक। नेक्स्ट अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, उत्तर है संबद्ध प्रतिक्रिया। नेक्स्ट अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है, उत्तर है अभिप्रेरणा देना। नेक्स्ट अधिगम निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है, उत्तर है आर्थिक स्थिति पर। नेक्स्ट प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में भी प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उत्तर है विलियम वुंट। नेक्स्ट अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है, उत्तर है इसका लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट सीखना विकास की प्रक्रिया, ये शब्द हैं, उत्तर है वुड वर्थ के।
और नेक्स्ट है इसमें टॉपिक अधिगम के विभिन्न सिद्धांत। अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो पहला व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा ज्ञानात्मक तथा क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत में इसमें व्यवहारवाद वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांतों में से एक है और व्यवहारवादी संप्रदाय बहुत ही व्यापक है तथा इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांतों का भी समावेश है। व्यवहारवाद के अनुसार ही विभिन्न उद्दीपनों के प्रति भी सीखने वालों की विस्तारित अनुक्रियाएँ होती हैं। इन उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं के आश्चर्य से उनके व्यवहारों में जो भी परिवर्तन आते हैं उनकी व्यवस्था करना ही व्यवहारवादी आश्चर्य सिद्धांतों का उद्देश्य होता है।